हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्व। जैसे स्टूडेंट आपको पता ही है कि मैं इससे ऑलरेडी आपकी वीडियो एक बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ इंपोर्टेंट जो आपके एडवर्ब्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसका मैं पार्ट वन कम्प्लीट कर चुका हूँ और मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आप इसका सेकेंड पार्ट है वो बहुत जल्दी बनाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके सेकेंड पार्ट में आपके कुछ इंपोर्टेंट एडवर्ब्स हैं उनके बारे में। तो जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट, वो हैं आपकी स्टिल, येट, ऑलरेडी, देयर, फेयरली, रेदर, जस्ट, अर्ली, सून, क्विकली, सेल्डम और नेवर, और आपका सेल्डम इफ एवर। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आपने जो प्रीवियस वीडियो थी आपकी इंपॉर्टेंट एडवर्ब की, आपने उसे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आज का जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट वो है फर्स्ट आपका स्टिल। स्टिल का जो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इसका यूज़ करते हैं हम आपके कोई भी एक्शन है वो क्या है, आपकी प्रेजेंट में क्या है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। मतलब कोई भी एक्शन है वो आपकी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जो हम इस टाइम जो बात कर रहे हैं, हम जिस टाइम हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाएगी, वहाँ पर हम आपकी स्टिल का यूज़ करेंगे और आपको पास्ट के साथ इसका यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे बहुत आसानी से कि ही इज स्टिल राइटिंग। अगर हम बात करें स्टिल को, अगर हम हाइड कर देते हैं ही इज राइटिंग, तो यहाँ हमसे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट कि वह लिख रहा है, ठीक है। अगर हम स्टिल करते हैं तो मतलब वो अभी भी लिख रहा है, यानी वो अभी काम क्या है आपका कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन आपकी क्या है अभी चल रही है आपकी प्रेजेंट टाइम में। इट इज स्टिल रेनिंग की बरसात अभी भी हो रही है। अगर मैं बोलता इट इज रेनिंग की वर्षा हो रही है, लेकिन स्टिल बता रहा है कि अभी तक वर्षा क्या है आपकी स्टूडेंट यहाँ पर हो रही है। तो ये यूज था आपका स्टूडेंट स्टिल का। नेक्स्ट आपका येट। अगर हम बात करें स्टूडेंट आपकी येट के, येट का मीन्स होता है अभी तक, और इसका जो यूज होता है स्टूडेंट वह यूज किया जाता है आपका, इसका लास्ट में आएगा आपका, जहाँ भी येट यूज करते हैं वो आपके वाक्य के लास्ट में यूज करते हैं। और इसका यूज हम आपके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और आपके नेगेटिव यानी नकारात्मक जो आपके वाक्य होते हैं स्टूडेंट उनके साथ हम आपका इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें आपके अफर्मेटिव, तो जो यट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो हम स्टिल की तरह ही आपके अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में करते हैं। जैसे हम आपका एग्जांपल ए है, तो इसमें बताया कि हैज सी कम, कि क्या वो अभी तक आ चुका है, वो आ चुकी है, ठीक है सी कम। तो यहाँ बोला इसने नॉट येट, तो यहाँ अभी तक क्या है वो नहीं आई, तो यहाँ ये आपका इंट्रोगेटिव एज यूज किया स्टूडेंट हमने यहाँ पे। वी एग्जांपल में बताया कि द जीप हैजंट अराइव्ड, कि क्या है जो जीप है वो अभी तक नहीं आई है, तो अभी तक के सेंस में हमने येट का यूज़ किया। और येट आपका जहाँ भी देखो स्टूडेंट हमने लास्ट में यूज़ किया है, कहीं भी आपका स्टार्ट में या बीच में हमने यूज़ नहीं किया है। जो स्टिल होता है स्टूडेंट वो आपका शुरू में यूज़ किया जाता है और येट आपका लास्ट में यूज़ किया जाता है। यहाँ इट लंच रेडी है, का लंच अभी तक रेडी है, तो यहाँ ये यूज़ किया गया है स्टूडेंट। यह एज आपके किस तरह यूज़ किया गया है, आपके स्टिल की तरह यूज़ किया गया अफर्मेटिव सेंस में। यहाँ हैज द जीप अराइव्ड, क्या जीप अभी तक आ चुकी है, तो यहाँ इस तरीके से आपने देखा कि स्टूडेंट हम किस तरीके से हमने येट का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव में यूज़ किया है। नेक्स्ट आपके स्टूडेंट ऑलरेडी। ऑलरेडी से जैसे अगर हमें पता चले कि ऑलरेडी क्या मीन्स होता है, ऑलरेडी का मीन्स ये होता है स्टूडेंट कि अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं और हम केवल क्या है, हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि यह काम, मतलब एक तरीके से हम विजन की बात कर रहे होते हैं कि मतलब कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, मैं आपका इंपॉर्टेंट एड, तो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने अगर पहले पढ़ चुके हो तो उस सेंस में आपका ऑलरेडी का आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि हम कोई भी एक्शन के लिए क्या कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो आपका कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, तो इस सेंस में हम आपके ऑलरेडी का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यू मस्ट विजिट आगरा। मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यू मस्ट विजिट आगरा, कि तुमको आगरा को जरूर देखना चाहिए या आगरा को आपको घूम के आना चाहिए। लेकिन क्या बोला, आई हैव ऑलरेडी विजिट, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ। तो यहाँ आपने क्या सेंस देखा स्टूडेंट, कि हम दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, और एक तरफ हमने वो काम आपका ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरीके से हम आपके ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल में बताया कि व्हेन इज ही कमिंग, ठीक है, कि वो कब आ रहा हो, ठीक है, तो ही इज़ ऑलरेडी हियर, कि वो ऑलरेडी यहाँ पर
आ चुका है, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट कि हम किसी भी एक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, केवल हम एक तरीके से उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि ये काम आपका ऐसे हो सकता है, लेकिन वो काम ऑलरेडी आपका हो चुका है, यानी अगर पहले से आपका एक्शन क्या है कंप्लीट हो चुका है, तो उस सेंस में हमने यहाँ पे आपके ऑलरेडी का यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आपको वीडियो के लिए अगर कोई आपके पास बेस्ट सजेशन है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में उसको आप बता सकते हो, और आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करवाना है आप मुझे वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देयर। देयर का यूज़ क्या करते हैं स्टूडेंट? देयर का जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम बाकी के शुरू में करते हैं, और इससे क्या है, ये किसी भी चीज़ के यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है कि मतलब किसी के होने की बताएगा, कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताएगा, या किसी हम चीज़ के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में बताएगा कि यह चीज़ ऐसे हो सकती है, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट वो आपका अनसर्टेन होता है और अनडिफाइंड होता है, मतलब अनिश्चित तो रहता है आपका, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है देयर, उसके बाद टू बी ऑफ वर्ब, यानी कि आपकी वर्ब जो होगी स्टूडेंट वो आपकी इजार है, या वॉच वर्ब हम यूज़ करते हैं, टू बी वर्ब जो होती है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ क्या बताया गया, ए पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ आप क्या स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट आपका सर्टेन नहीं है कोई भी कि सब्जेक्ट किसकी बात करे, केवल उसने ये बोला है कि यहाँ पर एक पेन है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो ए पेन के बारे में बात की गई यहाँ पर। देयर आर टू बुक्स अंडर द बेड, के बेड के नीचे क्या है, आपकी दो बुक्स हैं, तो यहाँ टू बुक्स के बारे में इसने आइडेंटिफाई किया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर देयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फेयरली और आपका रहता। अगर हम बात करें स्टूडेंट फेयरली, आप सेंस से समझ गए मीन से कि भाई फेयरली मीन्स क्या होता है, किसी सुंदरता के बारे में, यानी आपके किसी गुड सेंस के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पर हम फेयरली का यूज़ करते हैं। और रेदर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट आपका, रेदर मीन्स होता है मुश्किल से, तो वो आपके एक बैड सेंस की बात करेगा, नेगेटिव सेंस की बात करेगा वहाँ पे। और दोनों का यूज़ करेंगे हम क्वांटिटी, आपकी हम बात करें किसी मात्रा के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। एग्जांपल दिया गया कि द वेदर इज़ रेदर हॉट, तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो स्टूडेंट कि द वेदर इज़ रेदर के जो मौसम है वो मुश्किल से भी क्या आपका गर्म है, तो आप यहाँ समझ सकते हो कि बैड सेंस में यूज़ किया गया यहाँ पर। यहाँ बोला जैसे द वेदर इज़ फेयरली हॉट, कि भाई मौसम कैसे सुंदर, मतलब अच्छी तरह से हम बोलें कि क्या मौसम मतलब अच्छा है, गर्म है तो नहीं है ना, तो यहाँ ये नेगेटिव सेंस में यूज़ मतलब गलत है, तो ये आपका गलत सेंस में यूज़ किया, और ये आपका हमने रेदर का सही यूज़ किया, तो ये आपका राइट यूज है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका कॉफ़ी इज़ फेयरली हॉट, की जो कॉफ़ी है मतलब पीने लायक है, तो यहाँ आपने क्या समझा कि स्टूडेंट ये आपका राइट यूज़ किया गया है, कॉफ़ी इज़ रेदर हॉट, मतलब कॉफ़ी क्या है वो मतलब और नहीं है, मतलब उसको पीने लायक नहीं है, तो ये आपका एक यहाँ पर एक गलत सेंस में यूज़ किया, इसलिए ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपके स्टूडेंट जस्ट, जस्ट मीन्स क्या होता है, अभी यानी तुरंत की बात कर रहा होता है, इसका मीन्स हम किस में यूज़ करते हैं, आपके प्रेजेंट और आपके परफेक्ट में, कि यानी जो काम क्या है स्टूडेंट आपका कंप्लीट, हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसलिए हम बताया कि ही है जस्ट आ रहा है, कि वह अभी आ चुका है, तो आपने यहाँ क्या देखा स्टूडेंट को, वह अभी आया है, तो किसकी एक्शन की बात कर रहा है, कि वो अभी जस्ट आया है, ठीक है। और यहाँ बोला गया अभी एग्जांपल में कि दे हैव जस्ट गॉन आउट, कि वो अभी यहाँ से बाहर गए हैं, तो यहाँ गॉन आउट के भाई एक्शन की बात कर रहा है, कब, कि वो अभी गए हैं मतलब तुरंत गए हैं यहाँ पर, तो आपने देखा कि इस तरीके से हम जस्ट का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी के सेंस में, यानी तुरंत के बारे में की जा रही है करंटली का। अगर हम जस्ट का यूज़ स्टूडेंट आपके एक हम बात करें फिक्स टाइम के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर इसको हम आपकी सिंपल पास्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हो। अगर हम कहीं भी बात कर रहे होते हैं जस्ट के थ्रू, हम किसी भी टाइम के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे हम बताया कि दे जस्ट कॉट द बस, उन्होंने बस को अभी पकड़ा, तो आप यहाँ के समझ रहे हो स्टूडेंट को उसने बस को पकड़ा, तो ये एक्शन क्या है अभी, मतलब सिंपल पास्ट में हुई है कि उसने बस को पकड़ा, तो यहाँ हमने इस सेंस में इसको यूज़ किया, यानी सिंपल पास्ट, क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। नेक्स्ट है ही जस्ट मैनेज टू लीव, उसने अभी बताया कि उसको भाई छुट्टी चाहिए, तो यहाँ आपने क्या देखा कि मैनेज यूज़ किया है, सिंपल पास्ट में यूज़ किया गया है। और यहाँ मैंने बताया कि स्टूडेंट आपको फिक्स टाइम के बारे में बात कर रहा होगा, तो ही है जस्ट स्ट्राइक फाइव, कि अभी क्या है, अभी आपके 5 बजे हैं, तो यहाँ ये आपके फिक्स टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। इट है जस्ट स्ट्राइक टू, के अभी 2 बजे, तो यहाँ आपने इस तरीके से जस्ट का यूज़ देखा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अर्ली, सून और क्विकली, अगर आप समझ रहे होंगे तो सेंस अर्ली मीन्स भी जल्दी होता है, सून मीन्स भी जल्दी होता है, क्विकली मीन्स भी जल्दी होता है, लेकिन इनमें स्टूडेंट आपका डिफरेंस होता है, और वही हम डिफरेंस को आप आपके जो माइंड में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। कि अर्ली का यूज हम स्टूडेंट आपके एडजेक्टिव यानी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब आपकी 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़कर सबको एडवर्ब क्या आपका क्वालिफाई करता है।
तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सी हैज कम इन अर्ली मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग में क्या है जल्दी आती है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से इसको ये बता रहा है स्टूडेंट यहाँ पर हम। नेक्स्ट है रोजेज ब्लॉसम अर्ली दिस स्प्रिंग, तो उसने यहाँ पर किस तरीके से एडवर्ब और आपके एडजेक्टिव के रूप में हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। बात करें स्टूडेंट अगर हम सून का, तो सून का जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कि मतलब कोई भी घटना क्या है अभी जस्ट घटी है, ठीक है ना, यानी आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी समय के पहले की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर। ऐसे यहाँ बताया गया कि ही कम टू मीट मी सून आफ्टर राम आया, अगर हम इसका हिंदी मीन्स करेंगे तो ही कैम टू मीट मी, कि वो मुझसे मिलने आया सून जल्दी ही आफ्टर राम अराइव, यानी राम के आने के बाद। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, राम अराइव मतलब ये आप बता रहा है आपको स्टूडेंट आपके आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वो पहले क्या है वो राम आया और राम के मिलने के बाद वह मुझसे मिलने आया यहाँ पर, ठीक है। गेट वेल सून, कि जल्दी से क्या है तुम क्या बोलते हैं मतलब जल्दी से अच्छे हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ इसका सेंस यूज किया गया है द वर्क वॉज हार्ड वर्ड ही सून यूज टू इट, मतलब काम क्या है आपका कठिन है, वर्ड ही सून यूज टू इट मतलब वो इसको जल्दी ही कर लेगा। तो यहाँ आपने क्या सीखा वो काम करेगा उसके मतलब हालांकि वर्क हार्ड है उसके बाद उसको भी कर लेगा। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से हमने सून का यूज़ किया है। इसका यूज़ हम स्टूडेंट हम कोई भी अगर हम बात करें किसी भी कोई भी हम एक्शन कर रहे होते हैं स्टूडेंट उसके बारे में आपको एक्शन के बारे में बता सकता है, यानी आपका जो क्विकली होता है उसको क्विकली जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट वो आपका यहाँ सॉरी मैं एडिंग डालना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्विकली है वो स्टूडेंट हम यूज़ कर सकते हैं इसको किसी भी एक्शन को आपकी स्पीड के लिए बारे में बताया, जैसे कम एंड सी क्विकली। तो यहाँ क्या बता रहा है कि पहले आएगा मतलब वो जल्दी आएगा, सी क्विकली मतलब पहले वो आएगा उसके बाद वो क्या स्टूडेंट वो देखेगा, ठीक है। कम एंड सी असून मतलब जल्दी आओ और उसके बाद हमको तुम देखो। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इस तरीके से काम की स्पीड के बारे में बता रहा है। ही डिड द रिपेयर द क्विकली बट नॉट वेरी वेल, कि वो इस बस को ठीक तो कर देगा मतलब ही डिड द रिपेयर क्विकली, वो इसको काम को जल्दी तो कर लेगा मतलब कोई सी मशीन के बारे में बात की जा रही है, बट नॉट वेरी वेल कि वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। आई होप यू कैन डू द रिपेयर सून आई नीड दिस कार, मतलब उसने बोला है कि तुम इस कार को जल्दी से ठीक कर दो मुझे इसकी क्या है ज़रूरत है। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट ये किसके बारे में बात कर रहा है कि सून भी यूज़ किया है और हमने यहाँ क्विकली भी यूज़ किया है आपका, तो ये किसी भी काम के आपको एक्शन के बारे में बता रहा है उसकी स्पीड के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट आपका सेल्डम और नेवर और सेल्डम और आपका इफ़ेवर, सेल्डम मींस होता है स्टूडेंट कभी कभार हम बात करें अगर मींस, नेवर मींस कभी नहीं होता है, सेल्डम मींस कभी कभार, इफ़ेवर मतलब यद माने एवर मींस हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो सेल्डम के साथ हम स्टूडेंट आपके नेवर और आपके इफ़ेवर का यूज़ करते हैं, यानी सेल्डम के साथ आप ठीक है सेल्डम और आपका एवर नहीं लिखते स्टूडेंट, केवल हम इफ़ेवर यूज़ करेंगे आपका या सेल्डम इफ एवर यूज़ करें, केवल सेल्डम के साथ आप एवर का यूज़ नहीं कर सकते, करोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है उसने किसी सेल्डम और नेवर टेल लाइक, कि वो कभी कभार ही क्या है आपका झूठ बोलती है। तो आपने यहाँ देखा स्टूडेंट कि हम सेल्डम के साथ हमने यहाँ पर नेवर का यूज़ किया है आपके एवर का यूज़ नहीं किया, इसलिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएगा किसी सेल्डम इफ एवर आस्क द बॉय द रीजन ऑफ देयर एब्सेंस, तो यहाँ उसने बोला है कि सी कभी कभार इफ एवर टू आस्क द बॉय, अगर तुम बच्चों को पूछते हो रीजन ऑफ देयर ऑप्शन तो उसके उसके मतलब ना आने का, तो यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ सेल्डम के साथ आप इफ अगर पूरा यूज़ करोगे तो आप इफ जरूर यूज़ करना है, अगर अभी यूज़ के बिना करोगे आप सेल्डम एवर यूज़ करोगे तो वो स्टूडेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, बट हमने यहाँ इफ यूज़ किया तो इसलिए आपका भी राइट। तो स्टूडेंट ये थे आपके जो आपके मेन इम्पोर्टेंट जो एडवर्ब थे जिनका हमने यूज़ किया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आपकी एडवर्ब ऑफ प्रपोजिशन के बारे में, कि हम एडवर्ब बनाम प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं। तो उसने बोला है कि एडवर्ब से पहले हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। या हम कहें कि एडवर्ब से पहले आपका कोई भी प्रपोजिशन का आप यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। जब हम एडवर्ब यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट एडवर्ब से पहले हम आपके प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया कि विद मोस्ट हम्बली आई बैग टू ड्रॉ, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हम लिए ये है आपका स्टूडेंट हमने क्या यूज़ किया है, ये आपका एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले हमने यहाँ पर आपका प्रपोजिशन यूज़ कर लिया, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स।
यू शुड स्पीक विद पेशेंसली एंड विद द कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंसली और आपको पेशेंसली आपके एडवर्ब यूज़ किए गए स्टूडेंट हमने यहाँ पर, उनके साथ आपने विद का यूज़ किया जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि इसमें जब हम एडवर्ब यूज़ करेंगे तो एडवर्ब से पहले आपको प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कॉन्फिडेंस में बताया कि दिस लास्ट नेक्स्ट ऑल के बाद अगर आपके समय बताने, समय बताते क्या है आपके, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है, डे है, वीक है, मंथ है, ये आपके क्या टाइम बताते हैं। तो इनके साथ स्टूडेंट क्या करते हैं, इनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बताया गया इस एग्जाम्पल में दे रीच्ड हेयर दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये दिस के बाद हमने यहाँ यूज़ किया स्टूडेंट आपका टाइम डोनेटिंग, टाइम डोनेटिंग मतलब आपको मॉर्निंग क्या है, आपको टाइम के बारे में तो बता रहे भाई कि सुबह का समय, आई रिच दे रिच डे हेयर मतलब भी यहाँ पहुँचे दिस मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग में यहाँ पहुँचे। आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ आपने क्या देखा आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊँगा नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ आप क्या देख रहे स्टूडेंट, इनके साथ हम प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट बताया गया वेलकम हियर लास्ट वीक, वे यहाँ आए थे कब, लास्ट वीक में। तो यहाँ आपने देखा कि इनके साथ हमने कोई प्रपोजिशन का आपका यूज़ नहीं किया है। जब बताया कि जब हम कोई भी समय बताने वाले, जैसे कि आपका, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपके मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, तो इनसे पूर्व अगर आपका दिस दैट और नेक्स्ट ऑल नहीं आता है तो स्टूडेंट वहाँ पर आप प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे बताया गया ही विल गो टू, सॉरी ही विल गो इन द मॉर्निंग, के वह मॉर्निंग में जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि स्टूडेंट इससे पहले हमने दिस दैट और आपके लास्ट या नेक्स्ट का यूज़ नहीं किया है, तो ये क्या बता रहा है कि ये समय बताने वाले जो भी हैं आपका, जैसे मॉर्निंग में बात की गई है या आपका इवनिंग है, तो इनसे पहले हमने कोई भी आपका दिस दैट दिन लास्ट ये यूज़ नहीं किए हैं। तो इस सेंस में आप यहाँ पर पोजिशन आपने इनका यूज़ किया है जो कि आपका बिल्कुल सही है। वी विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं तुमको सॉरी वी विल मीट, हम तुमको मिलेंगे कब, इवनिंग में यानी शाम के समय। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ हमने दिस डेट किसी का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका यूज़ किया है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एडवर्ब से पहले हमें प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना होता है स्टूडेंट्स। इसी में आपका थर्ड फॉर्म है और आज की क्लास का लास्ट है ये। इसमें बताया कि होम एक ऐसा नाउन होता है स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लें आपका एडजेक्टिव क्या है, लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ होता है। मतलब इसके पहले क्या है स्टूडेंट, अगर आपका हमने एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया है तो जो होम है क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तो बात कर रहा है भाई, किसी जगह की तो बात बताएगा ना हमको, ठीक है। तो उस सेंस में हम आपका टू नहीं लगाते स्टूडेंट। वैसे आपने देखा होगा होम के साथ अधिकतर हम टू यूज़ करते हैं, तो इस सेंस में आपको टू का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे आई गो होम इन द इवनिंग, मैं आई गो होम इन द इवनिंग मतलब मैं इवनिंग में घर जाऊंगा, तो यहाँ आपने देखा वो के साथ हमने यहाँ टू का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले हमने स्टूडेंट होम से पहले क्या है आपका, कोई भी हमने एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया, इस सेंस में ये आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सी गोज होम एवरी डे, के वो अपने घर को रोजाना जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एडवर्ब थे, और ये एडवर्ब की आपकी लास्ट क्लास थी, इसमें हमने एडवर्ब ऑफ प्रपोजिशन के बारे में बात की स्टूडेंट। अगर मैंने अपना बेस्ट दिया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप मुझे अपने सजेशन या क्वेरी वो आप प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है आप वो भी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।